रिजर्वेशन, हमारे पास रिजर्वेशन रीजन है काफी सारे, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है करने में, आती है कि नहीं आती एग्जाम्स में बताइए। रहती है ना रिजर्वेशन रीजन के साथ, तो थोड़े से रिजर्वेशन रीजन आज हम थोड़े ज्यादा करके देखते हैं, ताकि वो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व आउट हो जाए। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, जरूरी नहीं मैं क्वेश्चन का आंसर ही पूछूंगी, सो बी वेरी अटेंटिव, ठीक है? मैंने क्या पूछना है? टेंथ बी वरुण, टेंथ बी वरुण, आ जाइए आ जाइए। हाँ जी बेटा, अब मुझे पहले ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? यस बेटा, माइक हाथ में ले लो जरा एक बार। योर वॉइस इज नॉट कमिंग, आर यू स्पीकिंग समथिंग? हाँ अब थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा माइक हाथ में लेकर बोल लो बेटा, थोड़ा क्लोज करके बोल लो माइक को। ऑर्गेनिज्म ड्राइव एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। दोज ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। चले जाइए बेटा, वरुण गो बैक टू योर सीट, ठीक है? जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, दैट इज द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल। अब वो अपने फूड को कैसे ब्रेक करते हैं, आउटसाइड देयर बॉडी, अपनी बॉडी के बाहर ही ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने को हम और क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड? कौन बताएगा? ओके कोई बताना चाहते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन बायोलॉजिकल टर्म्स मीन डाइजेशन, राइट? ठीक है, दिस इज डाइजेशन। तो अब मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर दीजिए जरा। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रीजन, ड्यूरिंग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। ऐसा होता है, सेप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, अपने फूड को पहले ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जैसे हम तो खाना खाते हैं ना, हमारे बॉडी का सिस्टम ऐसा है जो उस फूड को स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, बट दीज ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन देयर फूड आउटसाइड देयर बॉडी, तो देट इज डाइजेशन। तो ऐसे डाइजेशन को, ऐसे ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और जो बॉडी के अंदर जाकर डाइजेशन होती है उसको क्या बोलेंगे? यस क्या बोलेंगे? सेलुलर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंट्रा सेल्यूलर। तो जो बाहर हो रही है ये इनसाइड, आई और आई थे आप याद रख सकते हो, आई एंड आई, एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स आउटसाइड, राइट बेटा? सो अब मुझे ए पार्ट का आंसर कौन देना चाहता है, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ए ए, वेरी गुड बेटा, द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ए, ठीक है? अच्छा एक चीज आप और चेक कर सकते हो, कई बार हमें ए पार्ट एंड बी पार्ट में बहुत कंफ्यूजन होती है, कि हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि एजर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है, बट हम फेल कहाँ हो जाते हैं, इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट? कई बार तो बहुत क्लियरली दिख जाती है कि नहीं है एक्सप्लेनेशन, बट कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो हम क्या करते हैं बेटा उस केस में, हम एजर्शन के स्टेटमेंट को रीड करेंगे, एजर्शन के स्टेटमेंट खत्म होने के बाद उसके बाद बिकॉज लगाएंगे, एंड देन रीड द स्टेटमेंट ऑफ रीजन।
तो अगर एक ये सेंस बन रही है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट को रीड करें, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एक्स्ट्रा सेल्युलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज ड्यूरिंग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट होता है, इसीलिए हम उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर बोलते हैं। सो ये अब लिंक हो गया पूरा। तो राइट आंसर इज ए। इज दिस क्लियर? समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आइए जरा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लॉट ऑफ विलाई एंड रिच ब्लड सप्लाई। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे अंदर तो है, अनदर एनिमल्स में भी होती है, काओ, टाइगर, लाइन, बफलोस, हॉर्स, इनमें होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बताइए। यस, वे सब में होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, दे ऑल हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो उनमें होता क्या है? दे हैव विलाए, ये आप सबने पढ़ रखा होगा, और फर्दर क्या होती है? दे हैव रिच ब्लड सप्लाई। ब्लड तो देखो हमारा फूड फाइनली क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो इट मींस जो भी हमने खाया वो ब्लड की तरह थिन हो चुका है, इट हैज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, और वो किस में जाकर मिक्स हो गया? हमारे ब्लड में, ठीक है। तो ये ट्रू है, दीज विलाई हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। यस यस, ये भी ट्रू है, बट यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होनी चाहिए या बी होनी चाहिए। नाउ दिस पार्ट ऑफ कंफ्यूजन, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लॉट ऑफ विलाई एंड रिच ब्लड सप्लाई बिकॉज दीज विलाई हैज अ लार्ज सरफेस एरिया। कुछ सेंस बनी यहाँ पर? आप खुद सोचो जरा एक बार। ऊपर क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लॉट ऑफ विलाई एंड रिच ब्लड सप्लाई बी ऑप्शन बिकॉज दीज विलाई हैज अ लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। अब मुझे बताओ, ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए? यस बी, पक्का? एक बार फिर से रीड करो, एक बार फिर से ध्यान से रीड करो। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लॉट ऑफ विलाई एंड रिच ब्लड सप्लाई, ठीक है। क्यों होती है लॉट ऑफ विलाई एंड रिच ब्लड सप्लाई, बताओ। ए विल बी द राइट आंसर। बच्चा तभी मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द आंसर इज ए। देखो कंफ्यूजन थी ना यहाँ पे, ऐसी चीजों को बेटा बिकॉज लगाकर पढ़ो और एक और दो तीन बार उसको सोचो जरा क्या राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। एग्जाम में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इस बार जो 10th का बोर्ड का पेपर था ना बेटा, पेपर में अगर हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस देख रहे थे ना, मे बी आप में से करोगे भी काफी बच्चे प्रीवियस ईयर का पेपर, द क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज आर नॉट सो डिफिकल्ट, हम बोलेंगे बहुत ज्यादा मुश्किल थे, बट ऑप्शंस विच दे हैव गिवन ना, दे आर कंफ्यूजिंग। उसमें ऐसे लग रहा था कि ए भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है, मार्क तो एक ही करना है ना आंसर, हमने आंसर तो एक ही मार्क करना है, हम ऐसा तो नहीं है ए भी मार्क कर रहे हैं और सी भी मार्क कर रहे हैं। तो ऐसे ड्यूअल ऑप्शंस आ रहे थे काफी सारे क्वेश्चंस में, ठीक है बच्चे। तो ऐसे कंफ्यूजन, छोटी छोटी जो बारीकियां होती है ना, वो तो धीरे धीरे जब रिवाइज करोगे इस चीज को, माइंड में रख के रिवाइज करना कि क्वेश्चन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आपको मिल सकते हैं, राइट। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं आते कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर लिख दिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लिख दिया, नो, ऐसे पेपर नहीं मिलने वाले आपको बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। इन अमीबा एंड पैरामीशियम डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। अब अमीबा और पैरामीशियम में जो डाइजेशन होती है वो बॉडी के इनसाइड होती है, वो बाहर ही खा पी लेते हैं, ठीक यस है, अंदर है ना, इस तरीके से होता है ना अमीबा, ऐसे अमीबा है, फिर वो ऐसे ऐसे अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्यूटोपोडियाज बना लेते हैं, कोई फूड वैक्यूल यहाँ आ गया, अब ये क्या करेगा अमीबा, इस फूड वैक्यूल को ऐसे कवर कर देगा, फूड अब अंदर चला जाता है इस तरीके से,
और अमीबा अब इस फूड को क्या करेगा, ये वैक्यूल क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को छोटे 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 पार्ट में ब्रेक कर देगा। यहाँ पर ये जो फूड था ना, ये छोटे 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 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। और जब ये एक्शन कंप्लीट हो जाता है, ये जो वैक्यूल था ये डिसअपियर हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बॉडी के अंदर जाकर डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, डाइजेशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अकर्स इन फूड वैक्यूल। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहां पर हुई है, अमीबा में, फूड वैक्यूल के अंदर। डाइजेशन वर्ड आ जाए या ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड आ जाए, हैज द सेम मीनिंग। सो द राइट आंसर इज यस यस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगेन ए, और कई बार ऐसा होता है इंसर्शन रीजन एग्जाम में आते हैं, सबकी सेम ऑप्शन होती है, ए ए ए बी बी बी। कंफ्यूज नहीं होना उस चीज से कि सबके ए कैसे आ सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि आ सकती है ऐसी ऑप्शंस कि तीन assertion reason एग्जाम में आए और तीनों का आंसर ए था। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 10। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, वेयर एज मच ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड। बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, यस 10C ट्विंकल, 10C ट्विंकल, हाँ जी कहाँ पर हो? यस ट्रू। ट्रू, ओके रीजन बताओ कि क्यों ट्रू है बेटा। बिकॉज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन आवर बॉडी। हाँ, और CO2 प्लाज्मा ऑफ ब्लड से क्यों हो रही है ट्रांसपोर्ट? CO2 भी तो ऐसे ट्रांसपोर्ट हो सकती है, CO2 क्यों नहीं हो रही है? यस बिकॉज इट विल मिक्स इन आवर ब्लड बैंक। नहीं, दिस इज नॉट द आंसर, राइट आंसर। चलिए मैं बता दू, एनी वन एल्स? यस अगेन 10C इंद्रजीत, 10C इंद्रजीत। ये बेटा मुझे आंसर दो कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, CO2 ट्रांसपोर्ट होती कैसे है? यस ओके लख एक मिनट, नेहा प्रीत कौर 10D, नेहा प्रीत कौर 10D। हाँ जी बेटा, चलिए चलिए आई एम एक्सप्लेनिंग। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, ये ट्रू है। वेयर एज मच ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ये भी ठीक है बेटा। हमारा प्लाज्मा मैक्सिमम 90% प्लाज्मा इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, एंड जो CO2 होती है वो वाटर में इजिली सॉल्यूबल है। कैसे याद रखोगे इस चीज को? एवरीवन टेक सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स। अब उसमें होता क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स में पानी होता है और CO2 होती है। ठीक है, तो पानी के अंदर CO2 बहुत इजीली डिजोल्व हो जाती है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 है वो प्लाज्मा ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, उसमें से आरबीसीज ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं और CO2 प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है बच्चे,
एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2 इज मच लेस? यस दिस इज ट्रू। एफिनिटी होता है अटैचमेंट होना किसी के साथ, तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं हो सकती। एंड सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर इज मच मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये भी ट्रू ट्रू है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या बनेगा बेटा आपका? अकेले नहीं, ठीक ओके है, सब ए आए। ठीक है, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। ATP इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दिस इज ट्रू, एवरीवन नोस। हाँ, रीजन मुझे कौन बताएगा इसका? 10th D इश्मीत, 10th D इश्मीत। यस, आ जाओ बेटा जल्दी से। इसके बाद ई और एफ की टर्न आने वाली है सेक्शन की, गेट रेडी। मुझे इसका रीजन बताइए, क्या ये रीजन ट्रू है? क्योंकि अजर्शन तो ट्रू है, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हो। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी ब्रेक्स टू फॉर्म एडीपी प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, दैट हेल्प्स इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द सेल। यस, कौन बताएगा? हाँ जी बताइए बेटा, आप भी बताइए पहले तो। यस इश्मी बेटा, अगर कुछ बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप यू कैन होल्ड द माइक इन योर हैंड ऑल्सो। यस ओके, 10th E सुमिक्षा, 10th E सुमिक्षा, She's absent. शी इज एब्सेंट। दिवांश, थीम सेक्शन 10th E दिवांश। यस, आ गए हो बेटा? हाँ जी बेटा, कम इन फ्रंट ऑफ माइक। दिवांश कम फास्ट बेटा, थोड़ा सा जल्दी आओ। एंड उसके बाद मोहित, गेट रेडी फ्रॉम 10th E। क्वेश्चन मैं बताऊंगी रैंडमली, अभी नहीं। ठीक है, चलिए दिवांश, मुझे इसका आंसर बताइए बेटा। एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या बनता है उससे? एटीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट जब ये ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होगा? इज इट ट्रू और फॉल्स? जस्ट मुझे रीजन में यही चाहिए अभी फिलहाल। रीजन ट्रू है या फॉल्स है? रूप ट्रू। और ये किसने मुझे आंसर दिया, दिवांश ने या मोहित ने? दिवांश ने। ओके, बहुत ज्यादा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो एटीपी ट्रू है, एटीपी ब्रेक डाउन होता है बेटा एडीपी में, सिर्फ यहाँ पे डी स्टैंड फॉर डाई। अब एक फॉस्फेट कम हो गया ना, यहाँ पे ट्राई फॉस्फेट का मतलब तीन फॉस्फेट थे, तीन फॉस्फेट। अभी डाई फॉस्फेट मतलब वी हैव टू फॉस्फेट। एक फॉस्फेट अलग हो गया, प्लस हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? हां जी मोहित, गिव मी द आंसर। व्हेन द एनर्जी इज रिलीज्ड
केमिकल रिएक्शन दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब ये रीजन क्या है? एग्जैक्टली ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, गो बैक टू योर सीट बोथ ऑफ द बॉयज। एजर्शन एक, दोनों ये भी ठीक है। ठीक है, एक्सक्यूज हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? फ्रॉम विच सेक्शन? हमारा कौन से सेक्शन की बात हो रही है ये? हम डी सेक्शन डी सेक्शन की बात। ओके, कोई बात, अभी ठीक है, अभी तो आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, चलिए, नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। क्वेश्चन नंबर 13, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट द, अभी देखो 12th का भी बाय चांस ए आ गया है। ठीक है, एजर्शन एम्फीबियंस कैन टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाउ मेनी चैम्बर्स दे हैव इन देयर हार्ट? एम्फीबियंस के कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? टू यस, एम्फीबियंस हैव टू चैम्बर्स। ओके, 10th है सिमरन प्रीत। हाँ जी बेटा, हाउ मेनी चैम्बर्स एंड एम्फीबियन है? थ्री चैम्बर्स होते हैं बेटा एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग्स। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं? थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? मैं रफली ऐसे ही बता रही हूँ, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? वी हैव, ठीक फोर है, चलिए, चैम्बर अब क्या होता है? इस साइड हमारा कौन सा पार्ट होता है? लेफ्ट, एंड इस साइड होता है राइट। ये कौन सा पार्ट होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, फिर नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट पार्टिकल वेंट्रिकल। वी हैव फोर चैम्बर। बट एम्फीबियंस में क्या होता है? ये पार्ट तो अलग ऐसे हो गए ना, हमारे हार्ट के चार पार्ट, तो उन्हें ये पार्ट कॉमन होता है। उन्हें लेफ्ट राइट वेंट्रिकल नहीं होता, सिर्फ एक वेंट्रिकल। ये दो चैम्बर और एक ही नीचे वाला चैम्बर। एम्फीबियंस हैव दीज थ्री चैम्बर्स इन देयर हार्ट। तो वेंट्रिकल में काम क्या करेगा फिर वो? देखो, अब इसका रीजन पढ़िए। एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद टू चैम्बर हार्ट। चलो, ये तो फॉल्स ही हो गया। फिर एम्फीबियंस कैन, एजर्शन रीड कर रही हूँ बेटा मैं, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑब्वियसली अगर एक ही है तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और कार्बन डाइऑक्साइड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, तो उनको तो सहन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो सी हाँ, द राइट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो, एक तो आया कुछ और है ना। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा। चलो, आप में से बताओ कोई करना हो तो क्वेश्चन, बीच में से जिसने रीड की हो तो। 20th देखें एक बार, 20th क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 रिप्रेजेंट माउथ, कैविटी, लिवर, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पेक्टिवली ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैच द लेबलिंग रेकॉर्ड इन कॉलम 1 एंड को रिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। एक बार सभी अपना अपना रीड करो, कौन कौन राइट ऑप्शन दे पाते हैं, फिर हम करेंगे, फिर आप देखना आपको किस किस का राइट था। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका? माउथ। सेकंड क्या है? लिवर। थर्ड चलिए, हो गया। ऑप्शन ये जो ए ऑप्शन है ना बेटा, बी ऑप्शन आया
ए ऑप्शन में ना सेकंड ऑप्शन को बी कर लीजिए, दो बार डी लिखा हुआ है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन लिखा हो ना, 1C 2D, थर्ड ए, फोर्थ डी, दो बार डी टाइप हुआ हुआ है, सो मेक इट करेक्ट। सेकंड ऑप्शन के साथ आप बी लगा लीजिए बेटा। चलिए अब देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है बेटा माउथ। माउथ में क्या काम होता है, सबसे पहले ये देखो, लेंथ का तो कोई इश्यू नहीं है ना, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन बोल सकते हैं। यस, यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो स्टार्च होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, सिंपल शुगर में, ठीक है बच्चे? स्टार्च कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर इन आर माउथ। तो फर्स्ट की राइट ऑप्शन क्या है, बी। सो ए ऑप्शन तो खत्म ही होगी, फर्स्ट की राइट ऑप्शन बी। अगर आप आगे देखो तो फर्स्ट के साथ बी कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है, तो इट सेव योर टाइम, ठीक है, आप बी मार्क कर सकते हो, अदरवाइज हम एक बार देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे माउथ का, लिवर। लिवर क्या काम करता है बताइए, लिवर क्या काम करते हैं? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज। लाइपेज कौन रिलीज करता है, कहाँ से रिलीज होता है लाइपेज एंजाइम? हु रिलीज द लाइपेज एंजाइम, विच ऑर्गन? पैनक्रियाज, वेरी गुड, पैनक्रियाज। बेटा इसी तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है? कोई आपको कहानी लिखनी नहीं आएगी, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको। बहुत रेयर चांसेस है कि आएगा, बट 99% नहीं आने वाला। कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चनिंग बीच बीच में से, यही चीजें आती हैं आपके एग्जाम में, छोटी 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 छोटी। पूरा ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम हेयर यू आर गोइंग टू गेट डेफिनेटली सम क्वेश्चन, पक्का, ठीक है? चलिए आगे चलिए, थर्ड का आंसर, थर्ड पार्ट क्या है, इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगी। और फोर्थ, फोर्थ का आंसर है ए, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सभी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती है, ये अग्री करते हो सभी? ये सबने हर्बीवोरस में डिफरेंट होगी, कार्निवोरस में डिफरेंट होगी, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसकी इंटेस्टाइन भी तो स्मॉल ही होगी ना, छोटी सी होगी, तो इसका साइज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेंथ साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द फूड द ऑर्गेनिज्म ईट, ठीक है? तो राइट ऑप्शन इज बी। चलिए उसके बाद आते हैं 33rd क्वेश्चन पे, आइए बेटा जरा एक बार, कम टू द 33rd क्वेश्चन। इन हाई प्लांट्स द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसल्स, जर्नल सरफेस ऑफ सम सेल्स, ऑल ऑफ दीज। यस, स्टोमेटा तो डेफिनेटली है ही है ना, गैस गैसेस एक्सचेंज के लिए, एंड सरफेस ऑफ सम सेल्स कुछ सेल्स के सर्फेसिस से भी होता है, ये होता है कुछ प्लांट्स में, ठीक है? और दूसरा है लेंटिसल्स, सो दी इज द राइट आंसर। लेंटिसल्स बिहाइंड द स्टोमेटास लोकेटेड होते हैं, सो दी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए जरा एक बार जल्दी से, रीड एवरीवन। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आंसर भी बता दिया, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट इज ट्रेकिया, सेकेंड इज रिब्स, थर्ड इज एल्वियोलाई एंड फोर्थ इज डायफ्राम, ठीक है? तो चलो, ये तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लग रहा है। अच्छा ये आगे मैंने ऑप्शन नहीं देखे, द बोनी रिंग ऑफ द रिब्स, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड,
क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट राइट. इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन. ये तो रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है ना. एल्वियोलाई क्या होते हैं? थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर. फॉर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है ना बेटा, दिस इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पर डिफरेंस है, दिस इज नॉट अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक तो क्या होती है, ठीक है, दिस इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर. सो द राइट आंसर इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स ऑफ कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर. ए भी हो सकता है बेटा, ट्रेकिया. इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स. अंदर रिंग्स होती है ना ट्रेकिया में, फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर. तो जब हम एयर ले रहे हैं उसको कंडक्ट करने के लिए. एक मिनट बेटा, लेट मी कंफर्म दिस क्वेश्चन. ठीक है, आगे देखते हैं एक बार. एक्सक्यूज मैम, एक्सक्यूज मी. हाँ जी, इज इट दिस क्वेश्चन करेक्ट और नॉट? ट्रेकिया इज बोनी रिंग्स और कार्टिलेजनस. The voice is not clear. The rings are bony written here. हाँ. So I think it's cartilaginous rings are there. हाँ, बिल्कुल सी होना चाहिए फिर ना इसका आंसर. Thin walled sac like structure लिखा हुआ ना यहाँ पे भी. But the difference in sac and this balloon like structure. Sac is something we can say ना कि sac. Pouch-like structure we can say. हाँ, you can say. So C will be the right answer, ना? C will be the right answer. Question number 35. Opening and closing of stomatal pore depends upon. Yes. Opening and closing of stomatal pore depends upon atmospheric temperature, oxygen concentration around stomata, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा एंड वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स. डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. डी विल बी द राइट ऑप्शन. ए का कोई रोल नहीं है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ठीक है. थोड़ा ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा नो रोल, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन नो रोल, वाटर के कारण. गार्ड सेल्स क्या होते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है? ऑन द गार्ड सेल. ऐसे होते हैं ना हमारे स्ट्रक्चर गार्ड सेल का, ठीक है, लाइक दिस. ये हमारे गार्ड सेल, बीच में न्यूक्लियस होते हैं. जो ये पोर होता है, दिस इज अ पोर, ये किसकी वजह से खुलता है या बंद होता है? जब गार्ड सेल में पानी ज्यादा होगा तो ये पोर ओपन हो जाता है. एंड व्हेन गार्ड सेल लूजेस वाटर तो ये पानी क्या हो जाएगा, ये जो स्टोमेटल पोर है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. ठीक है बच्चे, गार्ड सेल जैसे बलून के अंदर पानी भरा तो क्या होगा, वो फूल जाएगा, साइड्स उसकी थिक हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी. और जब उसमें से बलून में से पानी निकल जाएगा तो बलून की जो साइड्स हैं, वॉल्स हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी. बट यहाँ पे कंप्लीटली वो बंद नहीं होता, ये स्टोमेटल पोर स्टिल स्लाइटली ओपन रहते हैं at night like this. ठीक है बच्चे, समझ आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 43. केस स्टडी भी है बेटा, केस स्टडी कर सकते हैं 43. चलिए, स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम व्हाइल एन एथलीट इज रनिंग एट फुल स्पीड. हाँ जी, choose the correct combination of plots and justification provided in the following table. बेटा दो प्लॉट दिए गए हैं, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी. देखो प्लॉट ए में क्या हो रहा है, एथलीट रनिंग कर रहे हैं और उसके बाद उसके जो ये ऐसे कॉलम दिया गया है ना आपको, चलिए देखो ग्राफ में यहां पर क्या है आपके पास, एनर्जी दी हुई और यहां पर टाइम दिया गया है. अब यहां पर क्या हुआ, ए पार्ट में एनर्जी पहले इंक्रीज हुई और फिर कांस्टेंट हो गई, ठीक है, सम बिलो 100.
ये 100 था, कुछ 100 से लेस पॉइंट पर वो कांस्टेंट हो गई है। और प्लॉट बी में क्या हुआ, पहले बहुत तेज एनर्जी थी और फिर धीरे से उसकी एकदम से एनर्जी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। दिस इज प्लॉट बी। अब देखो क्या हो रहा है। अब इसमें से पहले तो ये बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होगी और दूसरा बताओ एनएरोबिक कौन सी होगी, ए होगा या बी होगा। जब आप बहुत आराम आराम से काम करते रहो, धीरे धीरे लगे रहो, आपकी एनर्जी लूज नहीं होती जल्दी। आप पहले बहुत तेज भाग लो, जरूरत से ज्यादा तेज भाग लो, फिर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा एकदम से एनर्जी बॉडी में डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो जो हाँ ए ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन को, ए एंड बी ऑप्शन इज रिप्रेजेंटिंग एनारोबिक ऑप्शन रेस्पिरेशन। ठीक है, कितने सही समझ आ गए ना, जिसमें एनर्जी एकदम से डाउन हो गई, बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेंगे इस केस में? अमाउंट ऑफ ब्लड इज लोअर द हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें फाइनल प्रोडक्ट्स क्या आएंगे आपके पास, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP ऑफ एनर्जी, वेयर एज इन दिस केस द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस रेस्पिरेशन। तो विच एनर्जी इज मोर, 38, और एनर्जी वहां पर एनर्जी एकदम से बहुत ज्यादा रिड्यूस होती जा रही है, तो डेफिनेटली वहां पर कौन सी रेस्पिरेशन चली जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो द राइट आंसर कौन सा जा रहा है इसमें, ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन। बी बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए, 48 क्वेश्चन। द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी इज, यस, सबसे थिन कौन सा है इसमें से बेटा, कैपिलरी सबसे थिन होती है, ठीक है, जो वेन्स और आर्टरीज को ज्वाइन करती है, कंबाइन करती है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और कैपिलरीज के ऊपर एक कुछ और भी होता है, कैसी होती है कैपिलरीज, यस, दे हैव होल्स ऑन देम, इतनी बारीक है, उनके ऊपर होल्स होते हैं जहां से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 ऑल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू। उसके बाद हम आते हैं 52nd क्वेश्चन पर, कम टू क्वेश्चन नंबर 52। इन द किडनी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेसेस, कौन सा सबसे सही है, कैसे फिल्ट्रेशन होती है, सबसे पहले ब्लड कहाँ पर एंटर करता है हमारी किडनी में, किडनी में क्या कौन से फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या बोलते हैं विद इन द किडनी, यस, व्हाट द फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनीज आर कॉल्ड, कौन बताएगा मुझे, यस, 10th एफ सानिया, 10th एफ सानिया, हाँ जी बेटा, व्हाट आर द फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनीज आर कॉल्ड, नेफ्रॉन नेफ्रॉन्स में सबसे पहले ब्लड कहां पर जाता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस किसमें प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस बॉमन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है, ग्लोमेरुलस बॉमन्स कैप्सूल में होते हैं, और ग्लोमेरुलस में सबसे पहले ब्लड आएगा, फिर इसमें सिक्रीशन होती है, और लास्ट में होती है रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, हाँ जी, सानिया मुझे बताओ कि कौन कौन से सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब होते हैं ड्यूरिंग दिस फिल्ट्रेशन, सॉल्ट, क्लोरीन सॉल्ट और क्या रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और
वाटर फिर से बोलो। वाटर ओके ठीक है, वाटर उतना ही रीअब्जॉर्ब होगा जितना हमारी बॉडी को चाहिए, है ना, बाकी तो यूरिनेट हो जाते हैं। हाँ और बताइए, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, और क्या अब्सॉर्ब होते हैं? अमीनो एसिड एसिड्स एंड अदर थिंग। एक चीज और आ गई, ग्लूकोज, क्योंकि अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज तो कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। सॉल्ट एंड वाटर जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना रीअब्सॉर्ब होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ गई ये चीज। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर केस स्टडी। वी हैव टू क्वेश्चंस, एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, एक केस बेस्ड है। लास्ट ही कर लें। प्रांशु पढ़िए जरा पैराग्राफ, रीड कीजिए जरा जल्दी से। अच्छा आपके पास एसिड बेसिस सॉल्ट की भी वर्कशीट है? 52 का आंसर क्या है? 52 का ए बेटा, ग्लोमेरुलस को और किसी ने दिया ही नहीं हुआ, सबसे पहले उसी में आएगा ब्लड। ठीक है, फिर सिक्रीशन होती है एंड देन रीअब्सॉर्प्शन होती है। अगर इसमें एक और ऑप्शन ऐड की जाए तो लास्ट में इसमें वर्ड आ जाएगा एक्सक्रीशन। हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी। जी हाँ जी, कोई बात नहीं सर, बताइए। हाँ द क्वेश्चन 52, काइंडली चेक दिस क्वेश्चन प्लीज। 52 क्वेश्चन, द जी सर, फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देन रिटर्न ट्यूबुलर सेक्रीशन, हाँ इजंट इट थर्ड स्टेप और सेकंड? सर, ट्यूबुलर सिक्रीशन में ये वो नहीं हो गया कि पहले सिक्रीट हो रहा है, वो फिल्टर हो रहा है। मैं रीअब्सॉर्प्शन तो पहले होगी ना सेकंड स्टेप में। अच्छा इसमें डी ऑप्शन भी, यस, इज राइट, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। इसको बेटा डी ऑप्शन को ना फिल्ट्रेशन की जगह अकेला मत छोड़ो, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कर लीजिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हाँ इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कर लीजिए। आई एम सॉरी सर, मैंने एक्चुअली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ना रीड नहीं किया आगे की ऑप्शंस को, कि मेरे को लगा यही फिल्ट्रेशन आएगी। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्सॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन, और इसमें लास्ट ऑप्शन बस, हाँ वो सिक्रीशन या एक्सक्रीशन कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट कॉम्प्रिहेंशन। प्रांशु ऑब्जर्व दैट एनवायरमेंट इज वेरी ह्यूमिड बट नो रेन, द डे इज क्लाउडी एंड ही ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑन अर्ली मॉर्निंग। ही वॉज कैरिंग अ नाइफ टू कट टोमेटोज फ्रॉम हिज स्मॉल गार्डन, बाई चांस हिज नाइफ स्ट्राइक द सॉफ्ट स्टेम ऑफ नियर बाय हर्बेकियस प्लांट। ही ऑब्जर्व दैट वॉटर स्टार्टेड ओजिंग आउट ऑफ द स्टेम। ही वॉज सरप्राइज टू सी दिस बिकॉज ही नेवर ऑब्जर्व दिस इन समर वेन ही वर्क इन हिज गार्डन क्वाइट ऑफन, कि पानी निकल रहा है उसमें से, ठीक है, प्लांट्स में से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर अपीयर्ड ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स एंड वाटर ओजेस आउट फ्रॉम कट स्टेम ऑफ सम प्लांट इज ड्यू टू, यस, इज इट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, फूट ट्रांसलेशन एंड ब्लॉकेज ऑफ जाइलम। यस, वाटर अपीयर्ड ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स, हमें दिखता है ना कई बार पानी की बूंदे भी दिखती हैं, पानी की हल्का सा पानी अपीयर होता है लीव्स के ऊपर, तो किस कारण से है? वाटर ओजेज आउट फ्रॉम कट स्टेम ऑफ सम प्लांट इज ड्यू टू, ब्लॉकेज हो वैसे ही नो विल नॉट बी ब्लॉकेज ऑफ साइलम बेटा, फूड ट्रांसलेशन, इन्हीं में से ए एंड बी में से बताइए मुझे। इट विल ट्रांसपीरेशन को। बी ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है, पानी खींचता है, ट्रांसपीरेशन क्या होती है? देखो अभी हमने गार्ड सेल्स टोमेटा पढ़ा ना, गार्ड सेल क्या कर रही है, इनमें पानी आ रहा है, यहां से पानी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेट हो रहा है, राइट बेटा, समझ आ गया ये चीज, यहां से ट्रांसपीरेशन हो रही है तो इसलिए हमें लीफ के ऊपर पानी दिखता है कई बार। ठीक है चलिए, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन, रूट प्रेशर इज मेनली ऑब्जर्व ड्यूरिंग, अब ये पानी कब, ट्रांसपीरेशन कब ज्यादा होगी, डे टाइम में ज्यादा होगी या रात को ज्यादा होगी, ये सोचो, पानी की जरूरत मॉर्निंग
इवनिंग, नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, ब्राइट सनलाइट ऑफ समर। पानी की जरूरत प्लांट को कब ज्यादा पड़ेगी? मिड नून में, इवनिंग में, नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, ब्राइट सनलाइट ऑफ समर। ऑप्शन टी विल बी द राइट ऑप्शन, ब्राइट सनलाइट ऑफ समर। ठीक है, गर्मियों में ट्रांसपीरेशन पुल बहुत ज्यादा होता है, हमें बार बार प्लांट्स, आपने देखा होगा मिट्टी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन बहुत फास्ट हो रही है। आपको ट्रांसपीरेशन का आइडिया कैसे लग सकता है कि यहाँ पर ट्रांसपीरेशन हो रही है? अगर आप किसी गार्डन में जाओ, किसी ट्री के पास बैठे हो, वहां पर कूलिंग इफेक्ट आता है कि नहीं आता? थोड़ी ठंडक होती है कि नहीं होती एज कंपेयर टू अदर एरियाज? यस वहां पर क्यों फील होता है ऐसा? क्योंकि वहां पर वाटर ट्रांसपीरेट हो रहा है, और वाटर ने सराउंडिंग क्लाइमेट को क्या बना दिया है? थोड़ा सा कंपैरेटिवली कूल कर दिया। ठीक है बच्चे, समझ आई चीज? चलिए, डी विल बी द राइट आंसर। रूट प्रेशर इज ऑब्जर्व इन रेनी सीजन्स बिकॉज ऑफ, यस? लेवल हाँ जी, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज रूट प्रेशर? रूट प्रेशर क्या होता है? ठीक है, रूट्स ऑब्जर्वेशन का प्रेशर लगता है बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, पानी, जैसे आपने बॉल ऊपर डालनी हो, थ्रो करनी हो, तो आप प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे बॉल के ऊपर, तो ऐसे ही रूट्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। ठीक है, सो द रूट प्रेशर इज ऑब्जर्व इन रेनी सीजन्स बिकॉज ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट अकम्पेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट मतलब रूट सराउंडिंग सॉयल से, उसमें जो वॉटर है वहां से सॉल्ट को इन द डिजॉल्व फॉर्म एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जैसे पानी के अंदर नमक मिला दिया, ठीक है, अब वो पानी अगर आप पियोगे तो नमक भी तो साथ में आएगा ना, साथ अंदर। तो इसी तरीके से रूट्स में हमारी सॉइल के अंदर बहुत सारे आयंस मिक्स होते हैं, पानी के साथ वो मिक्स हो जाते हैं, एंड अलोंग विद दोज आयंस पानी हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें राइज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट अकम्पेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपीरेशन ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोस्फेयर। लैक ऑफ ट्रांसपीरेशन, जब कई बार ट्रांसपीरेशन कम हो जाए, प्लांट को तो पानी चाहिए ना, सनलाइट नहीं है, बहुत ज्यादा रेनी डे है, तब भी रूट प्रेशर काम करता है, तब ज्यादा रूट प्रेशर हो जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन रूट्स, अगर रूट्स के आसपास ज्यादा पानी हो गया, तब भी रूट्स क्या कहेगी, थोड़ा सा मैं पानी को जल्दी ऊपर प्लांट में पहुंचा दूं, तब भी रूट प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो द राइट ऑप्शन विल बी डी। द मेन फोर्स विच हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स ऑफ लार्ज हाइट। एसेंट ऑफ सैप मतलब पानी को ऊपर पहुंचाना, मतलब ट्रांसफर करना पानी को, ऑफ इन प्लांट्स ऑफ लार्ज हाइट इज और आर। मेन फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ कैपिलरी, रूट प्रेशर, ट्रांसपीरेशन पुल, ऑल ऑफ द अबव। द मेन फोर्स विच हेल्प इन एसेंट ऑफ, हाँ बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव। अगर बाई चांस कई बार इसे मेन रीजन पूछ लिया जाए, तो ट्रांसपीरेशन पुल विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, अगर कोई एक मेन रीजन पूछा जाता तो ट्रांसपीरेशन पुल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, नहीं, एक मिनट, लार्ज हाइट में है फिर तो उसमें हमारे वो आ जाएंगे जाइलम, फिर तो जाइलम आंसर आना चाहिए था, अगर इन सारी ऑप्शंस की हमारे पास ऑप्शंस ना होती, जाइलम और फ्लोएम ऐसा कुछ पूछा जाता, फिर इसका राइट आंसर हमारे पास आना था जाइलम, क्योंकि यहाँ पर लार्ज हाइट के प्लांट्स पूछा गया। लार्ज हाइट के प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन पुल अकेला काम नहीं करेगा, बड़े बड़े ट्रीज हैं, बहुत सारे बड़े ट्रीज हैं, वहां पर अकेला पानी खींचने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहां पर स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जाइलम टिश्यूज होते हैं, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कनेक्टेड होते हैं, जो कि पानी को ऊपर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चे, तो फिलहाल ऑल ऑफ द अबव। आपके पास केमिस्ट्री की वर्कशीट भी है बेटा? यस मैम। चलिए, केमिस्ट्री के हम रैंडमली क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। इसमें से किसी ने कुछ पूछना है बेटा बायोलॉजी में से?
कोई क्वेश्चन? आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक्स बेटा, एक दो जगह हो गई है गलतियां, मैंने एक्चुअली ऑप्शंस नहीं पढ़ी थी उस वाले क्वेश्चन की। चलिए केमिस्ट्री का देख लो, निकालो जरा बेटा वर्कशीट। ट्रांसपिरेशन हाँ जी, ट्रांसपिरेशन पूल एंड रूट प्रेशर में डिफरेंस क्या होगा? बोल तो बेटा, ये गार्ड सेल्स के कारण, जितना ज्यादा ये गार्ड सेल्स एक्टिव होंगे, जितना ज्यादा ये काम कर रहे होंगे, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन पुल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और रूट प्रेशर, रूट्स एक्चुअली क्या होते हैं, रूट्स काम करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वो क्या करती है, वाटर को मूव करवाती है। तो रूट्स में जब ज्यादा प्रेशर है, उसके ऊपर वाले पार्ट में अगर हम एक ट्री की बात करें, लेट अस से ये ट्री है ना, तो इसकी जो रूट्स है, इन्होंने वाटर को अब्सॉर्ब किया। डायग्रामेटिकली करना हो फिर कैसे करेंगे इसे? डायग्रामेटिकली क्यों करोगे, कैसे करना हो मतलब? पर अगर डायग्रामेटिकली इसे मैम एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन है तो मैम कैसे करेंगे? डायग्रामेटिकली बेटा वैसे तो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं, फिर देखो होता क्या है इसके अंदर, वाटर यहाँ पर रूट्स में ज्यादा होगा, मोर वाटर इन द रूट्स, एंड कंपैरेटिवली देयर इज लेस वाटर इन द अपर पोर्शन, ऊपर कम पानी है क्योंकि पानी तो रूट्स नहीं भेजना है ना ऊपर, तो ऊपर कम पानी है, तो रूट्स क्या करेंगी, यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, रूट्स इस वाटर को ऊपर भेज देंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पे क्या हुआ, रूट्स एक्टिव हो जाएंगी, अभी उन्होंने तो पानी ऊपर भेज दिया, दे विल गेन मोर वाटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब ये जो पानी था जो ऊपर आया था, ये क्या करेगा, अपने से ऊपर वाले पार्ट्स को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। दिस इज हाउ द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, ये रूट प्रेशर की वजह से ऊपर ऊपर जा रहा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझे? तो डायग्रामेटिकली तो बेटा फिर उसमें जाइलम फ्लोएम का पूरा स्ट्रक्चर आएगा, जाइलम टिश्यू का प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा, उसके अंदर ट्रैकीज वगैरह वो सब बनेंगे, उसके साथ हम फिर हेल्प, उसकी हेल्प से फिर हम शो कर सकते हैं इन हायर प्लांट्स कैसे वाटर फ्लो कर, ठीक है। चल आई थिंक केमिस्ट्री का टाइम तो इतना बचा भी नहीं, किसी ने कुछ पूछना हो बेटा केमिस्ट्री में, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो अच्छा मुझे थैंक एक क्वेश्चन पर दो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या होता है? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? डायनासोर। मैं पूछूं? 10th ए, आई थिंक 10th ए की टर्न भी नहीं आई है। 10th ए करण जो, यस मैम पीरियड ओवर हो गया पीरियड ओवर हो गया। हाँ ओके, चलो ठीक है बच्चे, फिर है। ओके मैम बाय। ओके बाय बच्चे, बाय। हो गया।